गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेशन 25 के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, ये बेस्ड है 24 सेशन के, लेकिन 24 सेशन में हमने टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स पहले ही डेमो में कर लिया था। आज हमारा इसमें मेल मर्ज पेंडिंग है, जो काफी इम्पोर्टेंट यूटिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसे हम एज ए डेमो करके देखेंगे किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में मेलिंग टैब से हम इस तरीके से ओपन करेंगे और लेटर का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। इसमें वो जो डेटा सब के लिए कॉमन है वो टाइप कर लेंगे और जो ऑप्शनल चीजें हैं वो ब्लैंक छोड़ लेंगे। जैसे ही हमने लेटर टाइप किया, उसके बाद किस लेटर का कोई भी आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम मेल स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में जाएंगे और स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। इसमें लास्ट ऑप्शन है, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ओपन करेंगे आपका राइट साइड में ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले हम लेटर तैयार कर रहे हैं। जैसे ही आपने लेटर पे क्लिक किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद पूछ रहा है करंट डॉक्यूमेंट का प्रयोग करना है जो हमने टाइप कर रखा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है, यानी कि डेटा सोर्स में से एड्रेस लिस्ट लेनी है। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं है तो हम टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, वो उसकी हेडिंग्स ले आएगा, लेकिन हम हेडिंग्स ज्यादा हैं इतनी की हमें जरूरत नहीं है कोई भी लेटर भेजने के लिए, तो हम कस्टमाइज कॉलम्स में जाएंगे, हमें जो जरूरी है वो रख लेंगे, अदरवाइज हम सारी भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब जैसे आपने डिलीट यस कर दिया तो हमारी शॉर्टकट की बन गई डी फॉर डिलीट वाई फॉर यस। DY DY प्रेस करते चले जाएंगे, क्योंकि हम जो सिस्टम में ऑलरेडी दी गई हेडिंग्स है उनको हटाना चाह रहे हैं, हम अपनी बनाएंगे। जैसे मैंने नेम बनाया, ओके कर दिया, नेक्स्ट ऐड किया, हमने एड्रेस बना लिया, ओके किया, नेक्स्ट हमने ऐड किया पिन कोड। इसमें स्पेस नहीं लेगा, आपको अगर स्पेस दर्शाना है तो आप अंडरस्कोर कर सकते हैं। फिर हम फ्रॉम में भी ले लेते हैं कंपनी जहां से लेटर आया है। ये चार फील्ड हमने यहां बना ली, ओके करोगे आप, ओके करने के बाद यही फील्ड आ जाएंगे। हमारे पास डेटा सोर्स है तो इसी तरह के फील्ड हम वहां चूज कर सकते हैं, लेकिन डेटा सोर्स नहीं है, हम यहां वन बाई वन अपना बनाएंगे। नेम में हमने डाला कुछ भी, इस तरीके से जितने लोगों का आप डेटा सोर्स बनाएंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमने यहां चार लोगों की एंट्री की। आप 400 कर सकते हैं, 4000 कर सकते हैं, वो डिपेंडेंट है आप पे, डेटा सोर्स नहीं है। जैसे आप ओके करेंगे, सेव करवाएगा इसको डेटा सोर्स के अंदर। जैसे मैंने ऐड के नाम से फाइल सेव कर दी, ये बता रहा है कि ये चार एंट्री हैं इसके अंदर, ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद जहां मुझे नाम चाहिए था वहां पे हमने क्लिक किया और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे हमारे पास मोर आइटम का ऑप्शन आ गया, हम इस पे क्लिक करेंगे, नेम इंसर्ट करा दिया। नेम हमें दो जगह चाहिए था, यहां भी चाहिए था। उसके बाद हमने एड्रेस चाहिएगा, देन आपको पिन कोड, देन कंपनी नेम। तो वो
फील्ड जो मेन है हमें जहां जहां रखनी है वहां रख देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका लेटर तैयार हो गया। लेकिन अभी हम वन बाय वन देखेंगे तो यहां से अलग अलग फाइल्स हैं, तो हम जैसे मर्ज फिनिश पे जाएंगे, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, ऑल पे क्लिक किया, ओके करेंगे, आप देखोगे एक ही के अंदर पहले पर्सन के लिए लेटर तैयार है, दूसरे के लिए तैयार है, तीसरे के लिए तैयार है, चौथे के लिए। इस तरीके से आप प्रिंट कमांड दे दीजिएगा, जितने लोगों का डेटा सोर्स आपने अपडेट किया है उतने लोगों के लिए लेटर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी डेटा सोर्स सेव है तो आप वहां से भी उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यूज के अकॉर्डिंग हम यहाँ जहां जहां भी फील्ड रखेंगे वहीं वहीं आपका डेटा सेट होके आ जाएगा। इसी कड़ी में हम न्यू ले लेते हैं। न्यू फाइल आपने जैसे ही ली, आप मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्द, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्द। अब हम बनाएंगे लिफाफा एनवलप, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एनवलप ऑप्शन आ जाएगा। एनवलप ऑप्शन से आप एनवलप का साइज जैसे ये दिखाया इसने, ओके कर दोगे, उतने में ही कन्वर्ट हो जाएगा। टू का एड्रेस आपके पास, बीच में क्लिक करेंगे तो यहां फ्रॉम का एड्रेस है, ऊपर टू का एड्रेस है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डेटा सोर्स के लिए हमें ब्राउज करनी है क्योंकि एग्जिस्टिंग लिस्ट के बनाने हैं। आपने ऐड के नाम से फाइल सेव की थी, ओपन की, यही चार एड्रेस थे, ओके कर दिए। अगर उनमें से आपने कुछ कम का बनाना, मान लीजिए दो लोगों के पास ही लेटर भेजना है और आपने उस टाइम पे 2000 का बनाया था, तो वहां चेकबॉक्स से हटा सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वही मोर आइटम आ गई आपकी, नेम इंसर्ट कराया हमने, क्लोज किया, एंटर की प्रेस की, मोर आइटम में दोबारा गया, एड्रेस इंसर्ट कराया, क्लोज किया, एंटर की प्रेस की, अपने पिन कोड इंसर्ट कराया, क्लोज किया, देन आपका फ्रॉम के एड्रेस में क्लिक करेंगे, कंपनी नेम इंसर्ट करा दिया, क्लोज किया। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका एक लिफाफा दिखेगा, लेकिन आप फिनिश करेंगे इंडिविजुअली के लिए ऑल का, ओके, आप देखोगे वन बाय वन एनवलप बना दिए। आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं। डिपेंडेंसी आपके है कि आप स्टार्टिंग में टू का एड्रेस देंगे या फ्रॉम का देंगे, या बीच में आप टू का देंगे फ्रॉम का देंगे, वो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप इनको ड्रैग करके सेट भी कर सकते थे उस टाइम पे कि इसको यहां लाना है, इसको यहां लेके जाना, वो टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से ही एडजस्ट हो रखा। इसी तरीके से हम नई फाइल और ले लेंगे क्योंकि हमने लेबल और जनरेट करने हैं। कई बार हमारे पास लिफाफे खत्म हो रखे होते हैं तो उस कंडीशन में हमें लेबल मदद करेगा। उसी तरीके से विजार्ड ओपन करेंगे, आप लेबल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेबल ऑप्शन आ जाएगा। आपने कितने लेबल लेने हैं आप वो देख सकते हैं। 30 पर पेज का मैंने ऑप्शन लिया कि 30 लेबल मैं एक पेज पे लेना चाहता हूं। इस तरीके से पेज आपका 30 के अकॉर्डिंग डिवाइड होके आ जाएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे अपनी डेटा सोर्स फाइल को, एड्रेस के नाम से सेव थी, ओपन की, फोर पर्सन का डेटा अगर किसी का हटाओगे तो वो हट जाएगा ऐसे चेकबॉक्स से, जितनों का निकालना है आप उतने लोगों का ले सकते। मैंने सभी का ही रख लिया। मोर आइटम में जाएंगे, नेम इंसर्ट करा, क्लोज, एंटर की प्रेस की, देन आपने एड्रेस इंसर्ट करा, क्लोज, एंटर की प्रेस की, देन आपने पिन कोड इंसर्ट करा, क्लोज। अपडेट ऑल लेबल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिंगल लेबल क्रिएट करेगा। अपडेट ऑल लेबल किया आपने, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, सारे लेबल्स आपके दिखाई दे रहे। आप इसको इसी तरीके से इसको भी एडिटिंग अपडेट कर सकते। तो ये हमारा मेल मर्ज के कंप्लीट स्टेप्स हो गए हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास लिफाफे खत्म हैं तो हम इस तरीके से लेबल या स्टिकर कह सकते हैं इनको बना के और चिपका सकते हैं। और ऑलरेडी डिवाइडेशन पेज भी, सीट भी आती हैं जिसपे हमें प्रिंट आउट निकालना, उसमें गम भी लगा होता है, आपको जस्ट निकालना और चिपकाना है। तो ये काफ़ी फैसिलिटीज है हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के अकॉर्डिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट यूटिलिटी है। इससे हम अपने काम को आसान कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत सारे लोगों के पास मेल भेजने के लिए कम समय में, कम मेहनत के साथ 100% एक्यूरेसी से जल्दी काम किया जा सकता है।
तो इसमें हमने जो पिछली फाइल्स हैं वो नहीं बंद करनी है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी अभी आप सभी फाइल्स को बंद कर सकते हैं, सेव करना चाहें सेव कर दें, ना सेव करना चाहें ना सेव करें, क्योंकि अगर हम पिछली फाइल्स बंद कर देंगे तो हमारे प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद आप सभी फाइल्स को बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये आज हमारा मेल मर्ज था। नेक्स्ट सेशन में हम जो बचा हुआ पार्ट रह गया हमारा व्यू, रिव्यू और व्यू, वो करने की कोशिश करेंगे जितना भी कंप्लीट हो पाएगा।